नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बागेश्वर में भाजपा की विजयी संकल्प यात्रा, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम धामी ने किया शुभारंभ, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अजय टमटा सहित कई विधायक रहे मौजूद। उत्तराखंड में कांग्रेस की 3 दिवसीय वीरग्राम प्रणाम यात्रा, विपिन रावत के गांव सैंड पौड़ी गढ़वाल से होगा शुभारंभ, जिले के सभी नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ता लेंगे भाग। उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी भाजपाई ढोल की पोल खोल सभाएं आयोजित, पिथौरागढ़ से होगी अभियान की शुरुआत, कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे गांव गांव जाकर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद का आगाज। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, 25 नए मामले आए सामने, दुबई से रानीखेत लौटे चारों लोग हुए ट्रेस, तो टीम घर घर जाकर कर रही टीकाकरण को लेकर जागरूक। और उत्तराखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड, कोहरे के आगोश में मैदान तो जलस्रोत जमे, बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे लोग, तो वहीं भीषण ठंड और शीतलहर ने छुड़ाई लोगों की कपकपी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। भाजपा की विजयी संकल्प यात्रा कुमाऊं के काशी बागेश्वर से शुरू हुई, ये यात्रा कुमाऊं के सभी जिलों तक जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बागेश्वर जिला प्रभारी विशन सिंह चुफाल, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा सहित बागेश्वर और कपकोट के विधायकों ने बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान से विजय संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की तैयारी और उसकी सफलता को लेकर बीजेपी ने जिला मुख्यालय पर एक अहम बैठक ली। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बल्दिया ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा 20 दिसंबर को जौलजी भी पहुंचेगी, जिसका कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। 21 दिसंबर को धारचूला में ऐतिहासिक जनसभा होगी, इसमें केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बिशन चुफाल, धन सिंह रावत तथा अरविंद पांडेय उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि धारचूला विधानसभा में बीजेपी की जीत निश्चित है, कांग्रेस के विधायक का 10 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक रहा है, जनता विधानसभा में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। बैठक को विधानसभा प्रभारी लोकेश भड़, सह प्रभारी कमला चुफाल, यात्रा के जिला संयोजक राकेश देवलाल ने भी संबोधित किया। बैठक में धारचूला विधानसभा के यात्रा संयोजक धन सिंह धामी, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, गणेश चंद, भूपेंद्र थापा, भीम सिंह रावत, जिला मंत्री हरीश धामी, गोलू पाठक आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तराखंड प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा चल रही है और 20 तारीख को उसका पड़ाव धारचूला विधानसभा में है। 20 तारीख को जौनजीबी में विजय संकल्प यात्रा का आगमन होगा, जिसका नेतृत्व तो हमारा प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है, और
20 तारीख को जब जौन जीबी में उसका स्वागत होगा और 21 तारीख को धारचूला में जनसभा होगी। उस जनसभा में हमारे उसे विजय संकल्प यात्रा में हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार में माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी और उत्तराखंड सरकार में ही कैबिनेट मंत्री श्रीमान अरविंद पांडे जी का यहां पर संबोधन भी होगा। इसके साथ साथ जो हमारे जनपद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा है और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बिशन सिंह चुफाल जी, वो भी इस यात्रा में रहेंगे और धारचूला में होने वाली 21 तारीख की जनसभा ऐतिहासिक जनसभा होगी और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की धारचूला विधानसभा में जीत सुनिश्चित हो जाएगी। खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है, जहां गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी के चलते भाजपा पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही रैली में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हल्दू चौर के बैंक्वेट हॉल में नैनीताल भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। ऐसे में सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम से ही लोग, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो 1 लाख की भीड़ को मान करके चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि भीड़ बढ़ेगी, 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था भी हमें बना कर रखनी होगी। क्योंकि हर मामले में नरेंद्र मोदी चूंकि देश के नहीं इस दुनिया के नेता बन गए हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नंबर एक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। संभावित 30 तारीख को गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में वो हम सब उत्तराखंड वासियों को और विशेषकर हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे, इस उत्तराखंड की जनता के बीच में अपना संवाद करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, लंबे समय से हम सोचते थे कब हमारे ज़िले में आएंगे, नैनीताल ज़िले में आ रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र गोलापार में आ रहे हैं। इसे जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं जनता में भारी उत्साह है। जनता लगातार पूछ रही है कि कब नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उनका कार्यक्रम क्या है, कितनी दूर है, कैसे पहुँचेंगे। तो यह सब देख कर लगता है वास्तविकता में जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और जो उत्तराखंड की जनता है वो मोदी जी के साथ है। उसी की तैयारी बैठक के लिए हम यहाँ पर योजना बनाने के लिए बैठे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, क्षेत्र में भारी उत्साह है। मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक सभा नैनीताल जिले में होने जा रही है। यमकेश्वर विधानसभा में महेंद्र सिंह राणा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नजर आए। कार्यक्रम में सबसे पहले बिपिन सिंह रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार बनने पर यमकेश्वर विधानसभा का चौमुखी विकास किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी विजय होते ही उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। पहले मेरे साथ एक नारा लगाएंगे सब, भारत माता की, भारत माता की। यमकेश्वर में कांग्रेस नहीं जीत पाई है ये कटु सत्य है, लेकिन 2022 में कांग्रेस यमकेश्वर जीतने जा रही है, इसमें कोई संशय कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से जनसमूह उमड़ा है, इस बात का संकेत है, द्योतक है कि यमकेश्वर के लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। टिकट का आपने जिक्र किया है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, कई लोग टिकट मांगते हैं और टिकट पर जो निर्णय जो है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है और जिसको टिकट मिलेगा सब उसके साथ लाभमत होंगे, आप निश्चिंत रहिए। प्रदेश भर में कांग्रेस 3 दिवसीय वीर ग्राम प्रणाम यात्रा निकालेगी। इन यात्राओं का शुभारंभ दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के गांव सैन बमरोली पौड़ी गढ़वाल और पूर्व सेनाध्यक्ष दिवंगत जनरल BC जोशी के गांव दन्या अल्मोड़ा से होगा। इसके साथ ही प्रदेश के उन सभी गांवों से भी यात्रा निकलेगी जिन गांवों के सैनिकों, अर्धसैनिकों, पुलिसकर्मियों ने देश एवं प्रदेश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व CM हरीश रावत ने बताया कि वीर सैनिकों के सम्मान में निकलने वाली इन यात्राओं में दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के गांव सैण से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। पूर्व सेना अध्यक्ष दिवंगत जनरल BC जोशी के
ग्राम दनिया से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वीर ग्राम प्रणाम यात्राओं में जिलों के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस वीर ग्राम प्रणाम यात्रा निकालने जा रही है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल नेतृत्व करने वाले हैं। 3 दिवसीय वीर ग्राम प्रणाम यात्रा प्रदेश भर में निकाली जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस के द्वारा सैनिकों के सम्मान में निकाले जाने वाली प्रणाम यात्रा को भाजपा ने चुनावी ढकोसला करार दिया है। भाजपा का साफ कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत का नाम भूलने वाले नेताओं की पार्टी केवल वोट बटोरने के लिए यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस द्वारा दिखावे के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है, वो केवल एक चुनावी शगुफा है, ढकोसला है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने हमेशा सेना, सैनिकों का अपमान किया है। और ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो हमारे सामने हैं कि जब उन्होंने सैनिक अधिकारियों के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। वन रैंक वन पेंशन को रोकने वाले, सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने वाले, और इसी प्रकार से जनरल मौनिक शॉ कि पेंशन में रुकावट डालने वाले, और साथ ही अन्य प्रकार से सैन्य विरोधी काम करने वाले कांग्रेस के नेता, तो कांग्रेस सम्मान, सैनिक सम्मान की बात करते हैं तो अपने आप में ये क्रूर मजाक लगता है। लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कांग्रेस के किसी ऐसे दिखावे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सदन के उपनेता करण मेहरा ने राज्य सरकार पर घोटाला करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 9,000 का टैप सरकार 16,000 में खरीद कर करोड़ों का घोटाला कर रही है। विपक्ष ने जब इस मुद्दे पर जमकर हल्ला किया तो सरकार उसे छुपाने में जुट गई। ये आज कांग्रेस की जीत है। आपको याद होगा विधानसभा सत्र चल रहा था, तब मैंने मामला उठाया था और कुछ पेपर्स भी मैंने प्रेस के सामने रखे थे। आप लोगों ने बहुत बखूबी उसको उठाया, जिसमें जो टैबलेट 9,000 कुछ रुपए का ऑनलाइन मिल रहा था उसकी खरीद सरकार 16,000 रुपए के हिसाब से कर रही थी। तब मैंने ये प्रश्न उठाया था कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसे क्यों नहीं डाले जा रहे हैं और इसमें कम से कम 130 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसको संज्ञान में लेते हुए आज मेरी जानकारी में जो आया है कि अब सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं और 12,000 रुपये छात्रों छात्राओं के खाते में डायरेक्ट डाले जाएंगे। लेकिन मेरा अभी फिर प्रश्न खड़ा है, अगर ये आज आप 12,000 डाले, आप 16,000 क्यों नहीं डाल रहे हैं? और अगर 16,000 में कुछ घोटाला था तो आपने इस बात को स्वीकार किया, तो जिन अधिकारी और जिस पैनल ने 16,000 रुपये में उस टैबलेट को खरीदने की कवायद शुरू की थी उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? और अगर नहीं उठाती तो इसमें साफ संदेह जाएगा कि विपक्ष के दबाव पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे। मेरा तो ये मानना है कि जब 16,000 आपने फिक्स किया था तो स्टूडेंट्स के खाते में 16,000 रुपये जाने चाहिए और जो आप चुनाव का खर्च ले रहे थे वो उनको मिल। इधर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस राज्य भर में भाजपाई ढोल की पोल खोल सभाएं आयोजित करने जा रही है। इसमें भाजपा सरकार के कारनामों और भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत पिथौरागढ़ से होगी। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव गांव जाकर कांग्रेस चुनाव का शंखनाद करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने 60 पार का नारा दिया है लेकिन जनता उनका तड़ी पार करने वाली है। खबर लालकुआ से है, जहां भाजपाइयों द्वारा अपनी सरकार में वासियों को मालिकाना हक दिए जाने के बयान पर सरकार और विपक्ष के नेताओं में तलवारें खिंच गई हैं। इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने भाजपाइयों के बयान पर काउंटर करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और लालकुआ वासियों को वर्ष 2000 में सर्कल रेट से मालिकाना हक का दावा करने वाली भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर धोखा देने की बात कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस धोखे का जवाब भाजपा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता अवश्य देगी।
पूर्व में बहुगुणा जी आए, फिर हरी रावत जी आए। विभिन्न क्षेत्रों में जो इस तरह की भूमि है उसको किस प्रकार मालिकाना हक मिले, उसमें अंतर्गत लालकुआ भी था जिसमें पहले कुछ दिक्कतें आई, लेकिन दोबारा जब हम सब लोगों ने ये डिमांड की कि 2000 सन के आधार पर ही मालिकाना हक सर्किल रेट के आधार पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, तो सब कमेटी एक कैबिनेट की बनी स्वर्गीय इंदिरा देवी जी की अध्यक्षता में। तो फिर कैबिनेट में ये आया कि 2000 सन के सर्किल रेट के आधार पर ही 2016 में हरी राव सरकार में ये निर्णय हुआ कि लालकुआ निवासियों को मालिकाना हक दिया जाए। में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने के बाद से ही सभी दलों के दावेदारों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से अपनी दावेदारी ठोक दी है, और इसी कड़ी में कैंट विधानसभा सीट से वैभव वालिया कांग्रेस से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता कनिष्क सिंह ने, आइए आपको दिखाते हैं। कैंट विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे वैभव वालिया युवा नेता कांग्रेस के टिकट पर हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे किन मुद्दों के साथ वो कैंट की जनता के बीच जाएंगे। स्वागत है आपको जी। थैंक यू। क्या मुद्दे रहने वाले हैं कैंट के, क्या मुद्दे हैं जमीन स्तर के? देखिए, देहरादून कैंट जो विधानसभा है ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून के दिल की विधानसभा है। देहरादून का दिल इस विधानसभा में बसता है। देहरादून के नाम से एकमात्र विधानसभा है। उत्तराखंड को हम लोग, एक सपना है हम लोगों का कि हम लोग एक अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही जरूरी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं आज तक भी 2021 में भी लोगों को उपलब्ध नहीं है। मैं बात करूं पीने के पानी की, तो हर गर्मी के मौसम में लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं। यहाँ पे हर बार जो है, हर साल दर साल जो है, डिमांड और सप्लाई का एक पानी का गैप रहता ही रहता है। आज तक भी जो हर बारिश के बाद में जल भराव की यहाँ पे समस्या है, ख़ास तौर से मलिन बस्तियों में जो लोग बिंदाल नदी के आसपास निवास करते हैं, उस समस्या का कोई निवारण नहीं किया गया है। वहाँ बस्तियों में रहने वाले लोगों के बच्चे डायरिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी से ग्रसित रहते हैं, हर साल उन्हें वो झेलना पड़ता है। आज तक भी हमने कोरोना के दौरान देखा कि कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे नज़दीक में होना। आज तक भी इस विधानसभा में एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। आज तक भी इस विधानसभा में एक भी बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग मैदान में हैं, और हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया, आपने बड़े बड़े लोगों को बहुत बार अवसर दिया है, एक बार आप अपने इस देहरादून के आम बेटे को, एक शिक्षित युवा को अवसर दे के देखिए। हमारा सपना है कि हम अपने शहर के लिए कुछ कर सकें, तो हम बहुत बेहतर काम करके देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकताएं होंगी। हम ये कह रहे हैं कि हम विधायक निधि को ऑनलाइन करेंगे। किसी को नहीं पता होता कि, किसी आम जनता के, आम नागरिक को नहीं पता होता कि कितनी विधायक निधि है, उसमें से कितनी खर्च हुई है, कितनी बची है। हम वेबसाइट बना के उसको डालेंगे शुरू से ही कि भैया इतनी विधायक निधि है, इतनी खर्च हुई है, और उसमें प्रायोरिटी पर लोग अपनी एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर ये सड़क का काम होना है, या ये मंदिर का होना है, स्कूल का होना है, ये काम होना है, इसको आप करा दीजिए, तो वो हम करने का काम करेंगे। हम कह रहे हैं हम एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व विधानसभा की हेल्पलाइन जारी करेंगे, जिसमें किसी की भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल करे, तो 15 दिन के अंदर या तो हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या फिर हम उनको ये बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम का ये स्टेटस है फिलहाल। हम ये सारी चीज़ें लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम जो विधायक निधि है उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से एक मोहल्ला समितियों का निर्माण करेंगे, उनको सशक्त करेंगे, ताकि ये ना हो कि विधायक जी घर में बैठ के तय कर ले रहे हैं कि भैया मुझे ये यहाँ खर्च करना है, ये यहाँ खर्च करना है। आम जनता का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो, वो लोग भी उस डिसीजन मेकिंग में भागीदार हों, ये सारी चीज़ों को लेके। और ये है कि भाई, एजुकेटेड लोगों को अब पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है खुद आने का, ये जो एक ऐसी फील्ड है, अगर किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी भी चलानी होती है 50 करोड़ 100 करोड़ की, तो उस कंपनी को चलाने के लिए वो लोगों को लेके आता है IIM से, IIT से, विदेशों में काम करे हुए को। लेकिन हजारों करोड़ रुपए जिन राज्यों का बजट होता है, वहाँ पे हम ऐसे नेताओं को प्रतिनिधित्व बना देते हैं जो चुनने के बाद में ये कहते हैं कि भैया मैंने एक ऐसी ऐप देखी है जिससे बारिश यहाँ पे है, मैं उस बारिश को यहाँ ले जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुन के हमको हंसी भी आती है, हमको दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है। अब एजुकेटेड युवाओं को आना पड़ेगा। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जो आंदोलन किया था जिस राज्य के लिए, उस सपनों का प्रदेश अगर बनाना है, तो उसके लिए
शिक्षित युवाओं की जो कुछ काम करना चाहते हैं, ईमानदार हैं, जो चोर नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है। मतलब 40 साल से बीजेपी का कब्जा था, स्वर्गीय हरवंश कपूर यहाँ विधायक रहे 8 बार के, तो किस तरह देखते हैं कितना बड़ा मुकाबला रहेगा, काफ़ी चीज़ें हैं, पुराना समय चलता रहा। तो देखिए, कपूर साहब एक बहुत अच्छे आदमी थे। कपूर साहब के बारे में किसी भी राजनीतिक दल से अगर आप बात करोगे तो वो राजनीतिक दल के लोग आपको ये कहेंगे कि भैया वो आदमी एक बहुत ही सभ्य आदमी था, बहुत प्यार से बोलते थे, सबसे मिलनसार व्यक्ति थे और हर एक के साथ उनका एक व्यक्तिगत नाता था। कपूर साहब अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके काम के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत कुछ है और आपने इतने साल तक 8 बार कपूर साहब को अवसर दिया है। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से जिताया है, एक बार अपने शहर के आम युवा को मौका दे के देखिए। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि हम बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, मतलब बहुत काम किया जा सकता है। तो उसमें हम लोगों का सपना है कि हम अपने शहर के लिए कुछ करें, इसीलिए हम लोग मैदान में हैं और बार बार लोगों से कह रहे हैं कि कभी चोरी नहीं करेंगे, दलाली नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दिमाग नहीं लगाएंगे, एक स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, क्लीन पॉलिटिक्स लेके आना चाहते हैं। हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, कुछ भी और काम कर सकते थे, अपनी अपनी कंपनियों में काम कर सकते थे, लेकिन उसके बाद में भी हम अपने शहर की सेवा को चुन रहे हैं। इसलिए चुन रहे हैं कि इस फील्ड में बहुत स्कोप है नए लोगों के लाने के लिए। कांग्रेस से दावेदारी आप कर रहे हैं, सूर्यकांत धस्माना है और भी बहुत लोग हैं, तो क्या अंदर ही अंदर कुछ? देखिए, मुझे ये पता है, मुझे ये विश्वास है अपने पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, मुझे ये विश्वास है अपने काम के ऊपर, मुझे ये विश्वास है अपनी काबिलियत के ऊपर कि मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मुझे मेरी पार्टी के नेताओं ने भी विश्वास दिलाया है और मुझे मेरे नेतृत्व पे भी विश्वास है। बाकी जो सारे जो और भी दावेदार हैं वो सब हमारी पार्टी के ही हमारे साथी हैं और सबके पास में अपना अपना काम है। एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, बाकी सारे लोग मिलके उसे चुनाव लड़ाएंगे। मुझे भी ये विश्वास है कि यदि मेरा टिकट हो जाता है और जब मेरा अनाउंसमेंट होगा उसके बाद में सारे लोग साथ आएंगे और सारे लोग मिलके मुझे चुनाव लड़ाएंगे। ये तो हमारे साथ वैभव वालिया, उन्होंने साफ बताया कि किस तरह काम होगा, कैसे काम होगा, क्या पूरा रोड मैप रहेगा। देहरादून से A1 TV, कनिष्क सिंह। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, आप देखते रहिए A1 उत्तराखंड।